कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस का आज एक नया टॉपिक शुरू करने वाला हूं। जैसा आपको मालूम है कि हम 3 चैप्टर्स कर चुके हैं। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग कह दें या बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग कह दें। चैप्टर नंबर 2 कंपनी ऑडिट। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप चैप्टर नंबर 2 कंपनी ऑडिट सबसे लास्ट में करें। चैप्टर 3 ऑडिट स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स टू ऑडिटिंग एसेस। और बेटे चैप्टर 4 आज हम शुरू कर रहे हैं। बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है इंटरनल कंट्रोल। बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इंटरनल कंट्रोल, और इसी का मिलता जुलता भाई बहन एक नया चैप्टर भी हम इसके साथ करेंगे। उसका नाम है रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल। दोनों मिलते जुलते टॉपिक्स हैं, मतलब कॉम्बिनेशन है। तो मैंने ये जो 10 चैप्टर्स बनाए हैं सिर्फ प्रायोरिटी के बेसिस, प्रेफरेंस बेसिस बनाए हैं। पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या, लॉजिकली उनको रिलेट करने की कोशिश की है। जैसे पहला चैप्टर हम हमेशा करते हैं बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग, उसमें 17 कंसेप्ट बताए। फिर हम चैप्टर 2 जनरली करते हैं ऑडिट स्टैंडर्ड्स एसेस, स्टैंडर्ड्स टू ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। उन स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग में बेटे हम 5-6 स्टैंडर्ड्स कर लेते हैं, क्योंकि 4-5 स्टैंडर्ड्स हम चैप्टर के साथ करते हैं। जैसे पहली स्टैंडर्ड मैंने आपको बताई होगी ऑब्जेक्टिविटी स्कोप ऑफ ऑडिट, ये हमने अलग से की बेटे। उसके बाद ये ऐसे 200 थी। फिर उसके बाद मटेरियलिटी, जॉइंट ऑडिटर्स, ऑडिट एविडेंस, ये मैंने ऐसे के चैप्टर में कराई। और भी 3-4 स्टैंडर्ड जो रह गई है जैसे ऑडिट प्लानिंग, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, बेटे हम ये चैप्टर के साथ करेंगे। मैंने वहां पे लिख भी दिया था कि अलोंग विद चैप्टर। तो बेटे मैं अभी चैप्टर 4 और 5 शुरू कर रहा हूँ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट से चैप्टर है। अगर बेटे मैं एग्जामिनेशन की बात करूं तो 30 मार्क्स में से 8-10 मार्क्स का जरूर आ ही जाता है, या तो इंटरनल कंट्रोल में से आ जाता है और या रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल से आता है। बेटा तो 2 चैप्टर्स आज हम करने वाले हैं इंटरनल कंट्रोल। भले आज नहीं होगा बेटे, आज तुम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, चैप्टर 4 शुरू कर रहे हैं, बेटे इसके 2-3 लेक्चर्स लग सकते हैं, 2-3 लेक्चर्स लग सकते हैं। बेटे लेक्चर्स क्या है, छोटे छोटे तो लेक्चर्स हैं आधे पौने घंटे के। तो मैं सबसे पहले आपको चाहता हूं कि आप सभी बुक खोल लें, रजिस्टर खोल लें, मार्कर अपने पास रख लें, पेन रख लें और इरादे अपने बुलंद कर लें, क्योंकि आज से आपको सब कुछ पता चलने वाला है मेन ऑडिट के बारे में। आज से हम गहराई में जाएंगे बेटे। तो इंटरनल कंट्रोल का आप सभी पहले वो कंसेप्ट वाला पेज बाहर निकाल लें। ये मैंने जो निकाला है बेटे, मैंने 12 कंसेप्ट दिए हैं इसमें। वो बेटे एक आध जगह गलती हुई है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, मैंने वो ठीक कर दिया है और मैं चाहूंगा कि आप भी ठीक कर दें। जैसे ये देखिए बेटे, मैंने कंसेप्ट 1 तो बिल्कुल ठीक है, कंसेप्ट 2 भी ठीक है। आप देख रहे हैं मैंने किस तरह से हाईलाइटर से हाईलाइट किया है आपको बताने के लिए कि जितनी बुक कलरफुल होगी उतना समझ आएगा। तो बेटे चैप्टर कंसेप्ट 1 ठीक है, कंसेप्ट 2 भी ठीक है, मीनिंग नेचर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कंसेप्ट 4 टेक्निक्स भी ठीक है, कंसेप्ट 5 इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। बेटे कंसेप्ट 5 में प्रिंटिंग मिस्टेक, आप देखिए कंट्रोल का स्पेलिंग ठीक नहीं है, आप प्लीज ठीक कर लें। इंटरनल कंट्रोल एनकंपासेस अभी देखेंगे। कंसेप्ट 6 बेटे एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल भी ठीक है, कंसेप्ट 7 बेटे लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल भी ठीक है। इसके बाद गलती हुई थोड़ी सी, गलती क्या हुई कि एक कंसेप्ट ये गलती से आ गया, ये इंटरनल कंट्रोल वर्सेस इंटरनल ऑडिट, ये थोड़ा सा गलत है। मैं आपको थोड़ा सा
लिखवा ही देता हूँ, बता देता हूँ कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है, जिससे कि आप ठीक कर पाए। तो कंसेप्ट नंबर 7 तक आपने चेक कर लिया। कंसेप्ट 7 है लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। और बेटे कंसेप्ट नंबर 8 है बेटे, वो गलती है उस कंसेप्ट 8 को इंटरनल चेक कर ले बेटे। तो इंटरनल चेक लिख ले, और इसके ऊपर जो लिखा हुआ है इंटरनल कंट्रोल लिखा ना बेटे, वर्सेस इंटरनल ऑडिट, ये काट दे बेटे, ये नहीं कुछ बेटे। इंटरनल कंट्रोल वर्सेस इंटरनल ऑडिट को काट दी, कंसेप्ट 8 ये है, और बेटे कंसेप्ट 9 लिख लें, अंदर ठीक है बेटे, बाहर प्रिंटिंग में से हो गई। इंटरनल चेक नाइन में, इंटरनल चेक वर्सेस इंटरनल कंट्रोल, इसको भी ठीक कर लें। कंसेप्ट 9 है इंटरनल चेक वर्सेस इंटरनल कंट्रोल। कंसेप्ट 10 लिख लें बेटे, कंसेप्ट 10 है टेस्ट चेकिंग, टेस्ट चेक एंड इंटरनल चेक। कंसेप्ट 11 बेटे इंटरनल कंट्रोल वर्सेस इंटरनल ऑडिट। बेटे कंसेप्ट 12 इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। तो बेटे हमने टोटल 12 कंसेप्ट्स करने हैं बेटे, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम तीन चार कंसेप्ट करके 2-3 लेक्चर्स लेंगे, आपको बिल्कुल समझ आ जाएंगे। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप क्या समझते हैं बेटे इंटरनल कंट्रोल के बारे में, आपको क्या लगता है व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल। मैं आप ही से पूछता हूं बेटे, मैं आप ही से पूछ रहा हूं व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल, आपको क्या लग रहा है कि आप बचपन से जब छोटे थे घर में पढ़ाई करते थे तो क्या आपके माता पिता आपको चेक करते थे, क्या आपके माता पिता ने एक सिस्टम बनाया हुआ था, क्या आपके माता पिता ने रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो की थी आपके लिए बनाई थी, उन्होंने खुद भी फॉलो की होंगी कि सुबह कितने बजे उठना है, क्या खाना है, हरी सब्जियां खानी है या नहीं, पढ़ने का क्या समय है, सोने का क्या समय है, खेलने का क्या समय है, टीवी देखने का क्या समय है। बेटे याद आ रहा है बेटे, ये सारा जो सिस्टम हमारे माता पिता ने बनाया था फैमिली सिस्टम, फैमिली को चलाने के लिए बेटे, फैमिली को चलाने के लिए मैं कहता हूं बेटे, इस सिस्टम का क्या नाम था, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। बेटे इस दुनिया में कोई भी काम नहीं हो सकता जब तक उसके कुछ अपने अपने रूल्स और रेगुलेशंस ना बनाए जाए। बेटे धरती घूम रही है सौरमंडल में, सोलर इक्लिप्स में घूम रही है बेटे, सन के आसपास घूम रही है बेटे सिस्टम में। बेटे दिन होती है, रात होती है, शाम होती है, सुबह होती है। अगर ये सिस्टम ना बना होता तो क्या पता रात ही रात होती, अर्थ रुक ही जाती, कहती आज मूड नहीं है चलने का, तो अंधेरा ही रहता। और क्या पता सुबह रहती, वो कहती मूड नहीं है चलने का घूमने का, तो सुबह सुबह रहती। बेटे इस दुनिया में हर चीज का कुछ कायदे बनाए गए, कुछ 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 बेटे कुछ नियम बनाए गए। तो मैं आपसे यही कहने जा रहा हूं, नियम कायदे या कुछ रूल्स को प्रिपेयर करना जिससे कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, एक स्टूडेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है कि वो जल्दी से सीएस एग्जामिनेशन और सीएमए एग्जामिनेशन को क्लियर कर ले,
वो बेटा जल्दी से ट्रेनिंग लग जाए, जॉब लग जाए, फिर उसके बाद अच्छी कंपनी में चला जाए, फिर गाड़ी आ जाए, फिर बंगला आ जाए, फिर गाड़ी में बैठने वाली आ जाए। ये तो ऑब्जेक्टिव है, मान के चल रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव। तो बेटे इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए आपको कुछ रूल्स के थ्रू, कुछ सिस्टम के थ्रू गुजरना पड़ेगा बेटे, तभी तो वो ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको। नहीं तो वो ऑब्जेक्टिव कैसे मिलेगा बेटे, आप खुद सोचो ना, वो ऑब्जेक्टिव मिल ही नहीं सकता जब तक आप उस सिस्टम को नहीं बनाएंगे। बेटे आपकी मर्जी आएगी, जैसे मर्जी कर लेंगे, जितना मर्जी आपने व्हाट्सएप देख लिया, जो यूट्यूब देख लिया, आपने एसएमएस कर लिया, फोन देख रहे हैं, आपकी मर्जी आ रही है, जो भी कर रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, नहीं बेटे, बेटे आपकी लाइफ का ऑब्जेक्टिव मीट ही नहीं हुआ। आपकी आंखें कमजोर हो जाएंगी, आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी। तो बेटे हमारे घर में जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनका क्या काम होता है बेटे, वो कुछ करते थोड़ी है, वो ये देखते हैं कि हमने एक सिस्टम बनाया घर को चलाने के लिए, क्या सब लोग उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, सब लोग कहाँ जाते हैं सारा दिन। बेटे दादा दादी जी तो घर में बैठे हुए उनसे बातें करते हैं कि आज कहाँ गए, क्या हुआ, कैसे किया, क्या प्रॉब्लम है, ये सारी बातों को डिस्कस करते हैं, जिससे कि सारे मेंबर्स मिलकर जुट होकर लाइफ में आगे बढ़े और ऑब्जेक्टिव को पाले। तो बेटे यही एक सिस्टम किसी भी कंपनी में आप देखें, अपोलो टायर्स, एसीसी सीमेंट, आईसीएसआई, आईसीएमएआई, बेटे इस दुनिया की जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सभी में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। और बेटे इसको बनाने का जिम्मा किसका होता है, मैनेजमेंट शुड प्रिपेयर। बेटे मैनेजमेंट शुड प्रिपेयर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। बेटे मैनेजमेंट को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाना चाहिए, किसके लिए, सो दैट मैं सेपरेट पेज में लिख देता हूं बेटे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, अभी बुक देखेंगे बेटे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स आर, रजिस्टर में लिखना बेटे, रजिस्टर में लिखना है, बुक में भी लिखा हुआ लेकिन रजिस्टर में लिखना है, तभी ज्यादा समझ आएगा बेटे। बिल्कुल खाली बैठकर मेरी बात को मत सुने, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप दूर है, थ्योरी का सब्जेक्ट है, जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे, मैं उल्टा भी लटक जाऊं तब भी समझ नहीं आएगा, और मेरी पूरी अंदर से ताकत लग रही है कि मैं आपको समझाऊं। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स आर दोज सिस्टम्स by which management ensures that its operations are carried आउट प्रॉपरली। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं बेटे, मैंने तो आपके सामने एक मीनिंग लिखा है, मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। मैंने कहा बेटे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आर दोज सिस्टम्स, वो वाले सिस्टम्स होते हैं बेटे, वो सिस्टम्स होते हैं, वो सशक्ति, अगर हिंदी में देखें तो सशक्तिकरण, अपने आप को बचाना, ऐसे सिस्टम्स बनाना विच इंश्योर्स दैट इट्स ऑपरेशंस, उसका रोजमर्रा का जो काम है बेटे, रोजमर्रा का क्या काम है, अपोलो टायर्स का मटेरियल खरीदना, प्रोडक्शन कराना, फिर उसको ऑफिस में एंट्री कराकर सेल कराना, आर कैरिड आउट प्रॉपरली बेटे, वो प्रॉपरली सुचारू रूप से चले, सुचारू रूप से चले, इसको आप ये भी कह सकते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली
बेटे चले, उसी को तो नाम है बेटे इंटरनल कंट्रोल। आप बताइए कभी आप आजकल हमारे दिल्ली में बेटे, आजकल बिग बाजार का एक कंसेप्ट चला हुआ है, उसमें दाल सब्जी रोजमर्रा की चीजें सब मिलती हैं बेटे। तो लोग क्या कर रहे हैं आजकल, बिग बाजार जा रहे हैं बेटे। वहां जैसे ही जाते हैं ना तो एक ट्रॉली सी मिलती है बेटे, बड़ी सी ट्रॉली सी होती है बेटे, है बेटे। इस ट्रॉली में क्या होता है कि जो भी खरीदना आप सामान रखते जाते हो, रखते जाते हो, रखते जाते हो, रखते जाते हो, सारा सामान आप रख देते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है आप पूरी बिग बाजार को घूम रहे हो, और जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप रखते जा रहे हो, रखते जा रहे हो, रखते जा रहे हो, ठीक है जी। फिर आप क्या करते हो बेटे, कैश काउंटर में आते हो बेटे। कैश काउंटर में वो आपके बार कोड को रीड करता है। वहां पर जो एक लड़का या लड़की खड़ी होती है वो कंप्यूटर से बार कोड को रीड करता है, ऑटोमेटिकली बिल में एंट्री हो जाती है बेटे। जैसे ही बार कोड से रीड करके आप कैश की पेमेंट करते हो, आपको एक बिल मिलता है, और बेटे बिल आप क्या करते हो बेटे, गेट कीपर को दिखाते हो, वहां पर एक गेट कीपर है, गार्ड है बेटे, वो बिल से एंट्री देखता है कि क्या कैशियर ने कोई गलती तो नहीं कर दी, क्या कोई घोटाला तो नहीं कर दिया, क्या कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। तो बेटे वो सारी चीजों को चेक करता है और फिर आपको अलाउ करता है जाने को। और क्या पता कैशियर और गेट कीपर दोनों मिले हों। तो बेटे बिग बाजार ने आजकल बड़े 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 बेटे सायरन लगाए हुए गेट के आसपास। आपने कभी ध्यान दिया हो, वेस्ट साइड गए हो या आप कभी विल्स वाले शोरूम में गए हो, या बेटे आजकल बड़े बड़े शोरूम्स में सायरन लगे होते हैं कि अगर आपने कोई ऐसी आइटम खरीद ली है जिसकी आपने पेमेंट नहीं की और आप उसको लेके जा रहे हो तो बेटे सायरन बजना शुरू हो जाएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं बेटे, सायरन बजना, ये गेट कीपर रखना, ये बार कोड, ये कैश पेमेंट, ये बिल, बेटे ये सारा क्या है, बिग बाजार ने अपना ऑपरेशन करने का एक सिस्टम बनाया है, और उस सिस्टम को हम कहते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। बिल्कुल आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। मैंने कहा जी मैं जल्दबाजी में हुई नहीं, मैं तो अभी आपको खाली एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं कि इंटरनल कंट्रोल होता क्या है। ऑडिटर इसका क्या करेगा वो देखेंगे बेटे। आपको बताए कि आपके पास हमने जो पेन ड्राइव या आपको जो मेमोरी कार्ड जिसमें भी आपने क्लास लियो, क्योंकि हम तीन ऑप्शंस दे रहे हैं, या आपके पास जो डीवीडी है बेटे, डीवीडी पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड जो भी कुछ लिया है बेटे, आपको पता है कि हमने पहले सबसे पहले आपसे एक फॉर्म फिलअप करवाया है कि हम इसमें नॉन रिफंडेबल है, इसको रिफंड नहीं करेंगे, आपसे हम साइन करवाते हैं, और बेटे उसके बाद हम आपको आपसे पेमेंट लेते हैं, पेमेंट को चेक करते हैं कि आपने दिए या नहीं दिए। उसके बाद बेटे हम आपको जो भी आप पेन ड्राइव डीवीडी या मेमोरी कार्ड के लिए इच्छुक होते हैं वो हम इशू कर देते हैं, लेकिन बेटे उसमें हमने पासवर्ड प्रोटेक्टर लगाया हुआ है। और पासवर्ड प्रोटेक्टर में क्या किया है कि आप इसको एक ही पीसी में चला सकते हैं, आप इसको इतनी बार देख सकते हैं, आप इसको एक साल तक ही व्यू कर सकते हैं, एक साल के बाद वो पासवर्ड ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। तो बेटे मैं ये क्या कह रहा हूं, ये जो सिस्टम हमने बनाया है ये क्या है बेटे, इस सिस्टम का क्या नाम है बेटे? मैं कहता हूं बेटे इस सिस्टम को मैं कहूंगा कि ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, जिससे सारी ऑपरेशंस हमारी नॉर्मल रूप में इफेक्टिवली और एफिशिएंटली चलती जाए, ठीक है जी। तो मैं दो एग्जांपल दे चुका हूं। टीवी, घर में जो हम सिस्टम बनाते हैं बेटे, फैमिली सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कि रात को 11 बजे से लेट कोई नहीं आएगा, उससे पहले ही आ जाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, हरी सब्जियां खाएंगे, दूध पिएंगे, बाहर का सामान कम खाएंगे, ये सारी बातें क्या है बेटे, इंटरनल कंट्रोल। आप कभी एयरपोर्ट में गए हो तो आपने कभी चेक किया है एयरपोर्ट में जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, एक गार्ड कुछ चेक करेगा, एक गार्ड टिकट चेक करेगा, एक गार्ड बैग चेक करेगा, एक गार्ड कपड़े चेक करेगा, एक गार्ड आपको चेक करेगा, क्या ये इंटरनल कंट्रोल? तो मैं अभी बता क्या रहा हूं, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि
इंटरनल कंट्रोल का मीनिंग क्या है, इसको बनाने से क्या फायदे हैं। आप ये बताइए कि एक कंपनी है बेटे, इस कंपनी ने मैं मानता हूं रिलायंस है, चलिए रिलायंस इंडस्ट्रियल, बेटे रिलायंस इंडस्ट्रीज पूरे 12 महीने में लाखों करोड़ ट्रांजैक्शंस करती होगी, तो ये जो कंपनी है जो बड़ी ज्यादा ट्रांजैक्शंस करती है, इसने बेटे परचेज क्या और कैसे करना है, मान लेते हैं कुछ परचेज करते हैं, परचेज क्या और कैसे करना है इसकी बेटे इन्होंने एक परचेज मैनुअल बना दिया, मान लेते हैं परचेज मैनुअल कह दे, परचेज बुक कह दे, या आप कह दे परचेज रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो बेटे मैनुअल प्रिपेयर कर दी। अब इस परचेज मैनुअल में इन्होंने सारी बातें लिख दी कि भाई हम स्टेप वन में ये करेंगे, स्टेप टू में ये करेंगे, स्टेप थ्री में ये करेंगे, स्टेप फोर में ये करेंगे, स्टेप फाइव में ये करेंगे, ये सारी बातें करेंगे। जैसे परचेज मैनुअल में इन्होंने सबसे पहले लिखा कि हम कभी भी सामान खरीदेंगे तो डोमेस्टिक कंट्री से ही खरीदेंगे, बाहर से नहीं खरीदेंगे, और कभी भी सामान आए खरीदने से पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या परचेज या मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप आई थी या नहीं आई थी। और मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप मतलब मटेरियल रिक्वायर्ड जब हुआ था तो उससे पहले उस डिपार्टमेंट में के सीनियर ने ऑथराइजेशन दिया था। ये बेटे हमने क्या किया, रूल्स बना दिए कि अगर आपको कुछ भी परचेज करना है तो आपको ये स्टेप्स करने पड़ेंगे, स्टेप नंबर 1 2 3 मान लेते हैं। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि क्या हमने कोटेशंस इनवाइट की थी फ्रॉम सप्लायर्स, इसका मतलब हमें कोटेशंस भी इनवाइट करनी चाहिए। उसके बाद हमने क्वांटिटी क्वालिटी और प्राइस को देखा था, क्वांटिटी को क्वालिटी को और प्राइस को चेक किया था लेने से पहले, सामान लेने से पहले। अब क्वांटिटी क्वालिटी प्राइस आ गया, उसके बाद हमने क्या गुड्स रिसीट नोट बनाया था बेटे, उसके बाद स्टॉक रजिस्टर में एंट्री होनी है, उसके स्टॉक रजिस्टर के बाद क्या होना बेटे, फिर हम परचेज बुक में एंट्री करेंगे, और अगर हमने सामान कैश में खरीदा है तो बेटे क्या कैश बुक में एंट्री हो रही है, और बेटे इसको इसके स्टॉक रिकॉर्ड्स प्रिपेयर हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये सारा कुछ क्या है बेटे, परचेज करने का एक सिस्टम बना दिया। अगर ये नहीं बनता तो बेटे जिसकी मर्जी आती, जैसे मर्जी करता, गलती घोटाले गड़बड़ 100% होती। तो बेटे उस गलती को, उस गड़बड़ को, उस घोटाले को रोकने के लिए हमने नियम बना दिए, रूल्स बना दिए बेटे, इसी का नाम है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। आप बेटे जब ऑडिट करने जाएंगे ना, बस बेटे 2-3 मिनट रह गए चर्चा के, आप जब भी ऑडिट करने के लिए जाएंगे किसी भी क्लाइंट के पास, तो बेटे आप एकदम जाके ऑडिट थोड़ी करेंगे, आप पहले जाकर उस कंपनी का, उस क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखेंगे। सपोज करते हैं कि आप बरिस्ता कैफे में गए, आप बरिस्ता कैफे में गए या किसी भी कैफे में गए, आपने देखा कि वहां का जो सिस्टम है गजब का सिस्टम है, गजब का है, आप तो बड़े इंप्रेस हो गए बेटे उस सिस्टम से कि किस तरह से एक व्यक्ति पर्ची काट रहा है, दूसरा कैश कलेक्ट कर रहा है, तीसरा सामान दे रहा है, आपको मनीमन लगेगा कि यहाँ पे गलती होने के चांसेस ही नहीं है, आपको लगेगा कि यहाँ पे गलती होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि वो चेहरे बड़े मासूम चेहरे हैं, और इतना बढ़िया इनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है कि चोरी हो ही नहीं सकती। बोलो बेटे ऐसा मन में आएगा या नहीं आएगा, इसका मतलब जब आप ऑडिट करने के लिए काम करेंगे तो आपके माइंड में पहले से ही उस कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का इंप्रेशन होगा या नहीं। बेटे कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन,
और बेटे उस इंप्रेशन से आपको काफी मदद मिलेगी ऑडिटिंग में। मान के चलते हैं कि आप गए और आपने देखा कि यार इस कंपनी का बड़ा जबरदस्त इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है और एक दूसरी कंपनी है उसका इन इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। मैं फिर रिपीट करता हूं, एक कंपनी का आपने देखा कि इफेक्टिव है और दूसरी कंपनी का क्या है, इनइफेक्टिव है। तो बेटे जिसका इफेक्टिव है आप जब इसको ऑडिट करने जाएंगे या ऑडिट करेंगे तो बेटे आप बताओ आप 100% चेकिंग करेंगे या टेस्ट चेक से ही काम चल जाएगा। बिल्कुल ठीक बेटे, टेस्ट चेक से ही काम चल जाएगा। और जब आप देखेंगे कि एक कंपनी का सिस्टम बड़ा ही इनइफेक्टिव है तो बेटे यहां पर तो डिटेल्ड चेकिंग करनी पड़ेगी। इसका मतलब ऑडिटर की हेल्प करता है बेटे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो आप एज ए ऑडिटर आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, यही कंसेप्ट वन है। व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल, व्हाट आर द टेक्निक्स और द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, बेटे सारी बातें पता होनी चाहिए। तो मैं भूपेश आनंद अभी तक क्या बताया, मैंने एक ब्रीफ आइडिया दिया कि बेटे इंटरनल कंट्रोल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ कंट्रोल है, हम इससे अलग नहीं हो सकते। हम जाने अनजाने में जब स्कूल जाते थे तो वहां पर भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम था, सुबह इतने बजे आना है।